अच्छा व्यूवर्स, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर, मिलेंगे एक बार सर से। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। सबसे पहले तो आपका नाम बता दें। मेरा नाम है सैयद नसीर अहमद। सैयद नसीर अहमद साहब, तो ये दुकान का नाम क्या है, इतना बता दें। मेरा दुकान का नाम है न्यू एशिया गेमिंग्स लैपटॉप्स। न्यू एशिया गेमिंग्स लैपटॉप्स। तो व्यूवर्स, आज इसी शॉप की तरफ आए, आज आप व्यूवर्स को ऐसे क्या दिखाओगे? मतलब मेरे पास मुख्तलिफ लैपटॉप्स है। लैपटॉप्स है और डेल है, एचपी है, कंप्यूटर्स भी है। मतलब हमारे पास फिर वो कंप्यूटर भी है। अच्छा। में लिए जो है ना, हमारे पास बिल्ड बनाते हैं, बिल्ड गेमिंग वाले भी बनाते हैं। हमारे पास कंप्यूटर भी है, वो सेट आप दिखा दें कंप्यूटर। ठीक है, तो ये मैं दिखा दें। ये मुख्तलिफ इसमें है कि बिल्ड भी बनता है इसमें। अच्छा, ओके। तो लैपटॉपों के हवाले से पहले आप थोड़ा सा डिस्कशन दे दें। मेरे पास एच पी के मुख्तलिफ वेराइटीज़ में है। ठीक है। कोर i5 7 जनरेशन में है, कोर i5 3rd जनरेशन में है। ठीक है। और इसी में आप NSE हमारे पास है, तोशिबा है हमारे पास। ठीक है, तो आप एक लैपटॉप उठा दें और वाइड डिस्कस करें। आप पहले लो लेवल से फिर आके हाई लेवल पर आ जाएं। मैं आप तो फिलहाल लो लेवल में आ जाएं। अभी मेरे पास NSE के हैं, पर 5th जनरेशन में है, ये बहुत ही खूबसूरत जो है ना। कौन सा वाला? ये न्यू वर्जन में है ये, पर ये जो है ना NSE में है, NSE लैपटॉप में। ये जो है ना कोर i5 5th जनरेशन है। ये कोर i5 5th जनरेशन है, हम यहाँ पे दे रहे हैं 23,000 का दे रहे हैं। लेकिन 23 का रैम क्या है इसमें? है आपको 4GB रैम है, 4GB रैम, तकरीबन 500GB हार्ड डिस्क है। 500GB हार्ड डिस्क है, 4GB रैम है। अच्छा, 4GB कोर i5 5th जनरेशन, कौन सा i5 5th जनरेशन है। 5th जनरेशन है, तकरीबन इसका बैटरी बैकअप आपको 4 से 5 घंटे इसका बैटरी बैकअप है। व्यूअर्स, मेरा खुद का जो लैपटॉप है ना, वो 1 घंटे मतलब उसका बैकअप है, 30 मिनट भी बहुत मुश्किल से चला लेता है कोर i5 5th जनरेशन। लेकिन यहाँ पर देखिए, और ये NSE में है। अच्छा अच्छा, इसका जो है ना, अगर आप वो देख लें, पूरा खूबसूरत न्यू वर्जन में है ये। तो व्यूअर्स, ये बिल्कुल न्यू है, फेक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा व्यूअर्स, ये आप इसका जो है ना मॉडल वगैरह चेक कर लें। ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, ये मॉडल वगैरह दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चले, ये पता चल गया हम लोगों को इतना सा। ये इसका जो है ना, ये आप खरीद लें। ठीक है, कौन सा अभी दिखा व्यूअर्स आपको? ये पूरा दिखा रहे हैं, डिटेल्स का दे रहे हैं आपको। कोर i5 5th जनरेशन, यहाँ से देख ले, कोर i5 5th जनरेशन है, सही है जी। अच्छा, 4GB मेमोरी है। हाँ जी, 4GB रैम। NSE कंपनी है। कौन सा है? NSE। NSE लैपटॉप कौन सा, HP कौन सा? ये नहीं, ये NSE कंपनी है। NSE कंपनी का है। तो गाइस, ये आप लोगों ने बॉडी भी देख लिया इसका पीछे से। अच्छा, ये NSE कंपनी का है। ये ऑफिस के लिए भी बेहतरीन है। ऑफिस के लिए ये अमेज़न के लिए लोग लेते हैं ये। ठीक है, बेहतरीन काम करता है अमेज़न के लिए, अमेज़न पे जो वर्क करने के लिए। जैसे व्यूअर्स, शायद अनवर को भी मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, शायद अनवर जैसे था वो अमेज़न, अगर आप वर्क करना चाहते तो ये, और ऑफिस के लिए भी बेहतरीन है। स्टूडेंट लेवल के लिए कैसे? मतलब स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही, क्योंकि इसका मुनासिब रेट है। अच्छा, मुनासिब, बहुत ही मुनासिब है। तो क्या कीमत क्या लगाया आपने? ये 23 है। कौन से कंट्री से इम्पोर्ट किया आप लोगों ने? हम लोगों ने तकरीबन जापान से, टोक्यो जी, जापान से ये माल आता है, USA से हमारे पास आते हैं। अच्छा, USA से, जापान से, फिर हम लोग कराची की तरफ और लाहौर की तरफ। अच्छा, जो लैपटॉप है ये यहाँ से जाके वो कराची वगैरह? जी हाँ जी, आप फिलहाल व्यूअर्स तो देख, आपको यहाँ पर बिग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमारे पास होलसेल का, हम लोग होलसेल पे, होलसेल पे। आज सपोज ये लैपटॉप ये कराची में फिर कितने का होगा? ये कराची में वहाँ पे तकरीबन यहाँ से जाएगा, वहाँ पे यही चीज़ आपको 35,000 का मिलेगा। अच्छा, ये व्यूअर्स है, अगर आप उनको सेंड करेंगे तो कितना होगा? मतलब फिर उसके लिए कोई डिस्काउंट होगा, नहीं होगा वहाँ पे? हाँ, अगर कराची से कोई मांग रहा है, कोई लाहौर से, इस्लामाबाद से, आप, मैं अपना नंबर दूंगा आपको, अगर ठीक है हमारे साथ, मैं प्रोडक्ट शिप में नंबर दे दूंगा। ओके, डायरेक्ट उनको जो है ना डिलीवर कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो व्यूअर्स आप लोगों ने ये देख लिया। अच्छा, आप नेक्स्ट दिखा, हमारे पास HP है, HP है, i5 7th जनरेशन के हैं हमारे पास, ये वाला, ये i5 7th जनरेशन, ये आपको तकरीबन बहुत ही अच्छा रेट। आप दिखा दें इसको एक बार भी शो करें। अच्छा, व्यूअर्स, तो ये आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, आज बहुत अच्छा आपको वो मिल रहा है, तो इंट्रोडक्शन मिल रहा है लैपटॉपों की वजह से। अगर आप जहाँ भी ये लैपटॉप बाय करें तो इतना भी बता दें, अगर जहाँ पर भी कोई हो और लैपटॉप बाय करना चाहते हो तो इसके लिए मतलब बस क्या समझे? यहाँ पे सर तब आप फोटो। अच्छा, तो व्यूअर्स अभी ये आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये कोर i5 7th जनरेशन है। कोर i5 7th जनरेशन है, इसका बॉडी एक बार दिखा दें। ये बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश, ये भी न्यू है, ये भी पैक है। मतलब ये 8GB जो है ना इसमें रैम है,
500 जी हार्ड डिस्क और 128 एसएसडी लगा देंगे। 500 हार्ड डिस्क है इसका, हार्ड डिस्क जीबी जो है जी हां, और 128 एसएसडी लगा देंगे, 8 जीबी रैम है उसमें। ग्राफिक है इसमें? ये भाई ग्राफिक्स इसमें जो है ना नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें अपना और सबसे भी इसमें। अच्छा तो व्यूअर्स यहां पर आप लोग, अच्छा आप इसका रेट आपको जो है ना 50 पड़ जाएगा, 50 का पड़ जाएगा, 50,000। तो ये कौन से मतलब स्टूडेंट ऑफिस के लिए कौन से वाला होगा? ये तो कौन से लेवल स्टूडेंट के लिए और ही बेहतरीन है ये। अच्छा, इसका मॉडल भी सही है, ऊपर है 7 जनरेशन है इसमें, ठीक है। और ये जो है ना मॉडल इसका G4 ठीक है व्यूअर्स, यहां पर आप खुद देख सकते हैं। अच्छा तो इसका प्राइस आप लोगों ने कितना बताया था? ये जनरेशन 7 है मतलब? जी हां, कोर 5 जनरेशन 7 है, 50,000 है व्यूअर्स। तो ये भी आप लोगों ने देख लिया। अच्छा तो इनके इसका भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो इंशाल्लाह आप जाके फिर बाय कर सकते हैं। अच्छा आप एक नेक्स्ट दिखा दें व्यूअर्स, आप लोगों ने ये भी देख लिया, तो नेक्स्ट आप शो करें भाई। अच्छा तो भाई से एचपी का भी थोड़ा दिखा दे, वो एप्पल 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 हमारे पास से निकल पड़ रहे। ये एप्पल है। अच्छा ये एप्पल 12 मॉडल है इसमें, ठीक है। ये एप्पल से 12 मॉडल है, ये आपको तकरीबन 25,000 का पड़ जाएगा। एप्पल का जी 25,000 का? यार ये बहुत सस्ता नहीं है फिर? सर हम लोग होलसेल पे भी देते हैं जो भी। एप्पल का है 25,000 का, तो इसका जीबी क्या क्या सिस्टम है इसका? जीबी बता दे भाई। 4 जीबी इसका, 4 जीबी और तकरीबन 500 जीबी हार्ड डिस्क, 500 जीबी हार्ड डिस्क। अच्छा तो मॉडल है, रैम क्या है इसका? 4 जीबी रैम, 4 जीबी है। तो अच्छा ये भी आ गया, तो ये इसका मतलब एचपी वाला है मतलब, सो ये एप्पल वाला है, ये एप्पल का व्यूअर्स यहां पर आप भी। कोर i5 ही है जी। जनरेशन कौन सा है? मॉडल अच्छा मॉडल के हिसाब से बिक रहा है ये, 12 मॉडल है। अच्छा तो ये इसका कितना था प्राइस? ये 25,000। आप बॉडी दिखा दे, इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर दिखा दे। डेल है आपके पास? डेल लैपटॉप? डेल लैपटॉप है। आप डेल भी एक बार शो करें, एक बार एचपी हो जाए वो भी हो जाए, तो यहाँ पर डेल भी हो जाए। कोर i5 5th जनरेशन है ये मॉडल, ये डेल में मॉडल मॉडल है ये डेल में। बॉडी दिखा रही है एक बार इसका? अच्छा ये ठीक है, ये भी दिखा दिया। तो इसका भी थोड़ा सा क्या जीबी क्या इसका? इसका है 8 जीबी रैम, 8 जीबी रैम इसका, 8 जीबी रैम है और 500 जीबी हार्ड डिस्क है। ये इसको पड़ जाएगा 32,000 का मिल जाएगा मतलब। व्यूअर्स आप लोगों ने भी देख लिया, ये कौन से लेवल का? ये ऑफिस से स्टूडेंट्स के लिए कौन से बेहतरीन है? वो अगर मॉडल में ये ऊपर 5 मेगापिक्सल आप जनरेशन में हो तो ये स्टूडेंट को भी एलम है बेहतरीन। अच्छा बेहतरीन है, स्टूडेंट ऑफिस के लिए भी हो सकता है, ऑफिस के लिए। अच्छा ये 5-6 वीडियो एडिटिंग के लिए चाहे एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, सब के लिए बेहतरीन है। सब इसका कीबोर्ड सब कुछ फिक्स है मतलब? अगर हम लोग ये फिर उनको देते हैं ग्राहक को, अगर उनके लिए वो काम ना चल भी जाए तो हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है, वापस भी हो सकता है। ठीक है ये एचपी ये आप ये भी दिखा देते हैं तो ये फिर नया मॉडल एचपी का, ठीक है। ये इसका बॉडी दिखा दिया आपको, ये भी कोर i5 7th जनरेशन है। कोर i5 7th जनरेशन है, इसका जीबी क्या है? ये 8 जीबी 128 और 500 जीबी हार्ड डिस्क। अच्छा तो ये भी देख लिया, तो ये आपको पड़ जाएगा 58,000। 58,000 ये कौन सी कंट्री का ये बता सकते हैं? ये आते हैं हमारे पास जापान से, जापान में टोक्यो का। आप लोग यहाँ पर होलसेल में इसको बेचते हैं? यहाँ से। तो ये कराची से फिर जाके वहाँ पर कराची में भिजवाते हैं या लाहौर में? तो ठीक है भिजवाते हैं। व्यूअर्स आप लोगों ने ये भी देख लिया, तो आज का जो था ये लैपटॉपों का थोड़ा सा ब्लॉग था। सोनी भी है आप लोग पास? सोनी हमारे पास आते हैं, सोनी है। आप सोनी भी दिखा दें, वहाँ पर बैक में पड़ा हुआ है थोड़ा सा। हाँ सोनी, हाँ सोनी भी दिखा दें मुख्तलिफ लियो। अच्छा गाइस यहाँ पर भी सोनी आपको, ये भी सोनी है गाइस, कोर i5 4th जनरेशन है। अच्छा कोर i5 4th जनरेशन है, ये सोनी का सिस्टम है, ठीक है। ये भी आप लोग नोटबुक है, आप दिखा दे एक बार बॉडी दिखा दे। ये नोटबुक की तरह, ठीक है व्यूअर्स, ये सोनी का है जी, सोनी। तो ये क्या जीबी इसका, क्या जीबी सिस्टम क्या है? 128 जीबी एसएसडी जी, एसएसडी है, एसएसडी है।
तो मतलब 8GB रैम है इसका 8GB रैम इसका मतलब तो ये अच्छा ये कौन सी कंपनी मतलब सोनी कंपनी का कहां से इंपोर्ट किया ये भी हम लोग जापान से वो अच्छा आप लोग यहां पर इंपोर्ट करते हैं अच्छा तो ठीक है व्यूअर्स आप लोगों ने ये भी देख लिया तो प्राइस इसने बताया आप लोगों ने तो ये तकरीबन हम लोग यहां पे देते हैं 28000 का अच्छा कराची में हो जाए फिर कितना हो जाएगा 40 50 तकरीबन वो अपने डबल हो जाते हैं जो ना हर 15 अपने हिसाब से 5000 6000 बढ़ा देते हैं उसमें अच्छा ठीक है व्यूअर्स ये भी आप लोगों ने देखा हमारे पास